हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के वीडियो में करेंगे डिस्कस सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। अगर आप स्टेट पीसीएस लाइक एज यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की आरओआरओ की परीक्षा दे रहे हैं या फिर एसएससी में या फिर आरआरबी में या फिर यूपी ट्रिपलसी के किसी भी एग्जाम में आप शामिल हो रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विज्ञान, तो अगर आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं शुरुआत। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था? और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि शेरशाह ने यह काम किया था। और एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि जो रुपया शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही किया था। शेरशाह का जो शासन काल था वो था 1540 से लेकर 1545 तक। मात्र 5 वर्ष में शेरशाह ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया था वो एक चांदी का सिक्का था, और इस सिक्के का जो वजन था वो था 178 ग्रेन, मतलब 11.534 ग्राम। शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने का सिक्का भी चलाया था। तांबे के सिक्के को उस समय दाम कहा जाता था और सोने के सिक्के को क्या कहते थे, मोहर। तो ये दोनों आप याद रखना। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया रुपया आज तक प्रचलन में है, और भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी यह प्रचलन में रहा था। ब्रिटिश राज में इसका वजन 11.66 ग्राम था और इसमें 91.7% तक शुद्ध चांदी हुआ करता था। शुरू में निजी बैंकों द्वारा बैंक नोट जारी किए जाने के क्रम में भी रुपया कहने का अर्थ सोने चांदी के सिक्कों से ही था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, दैट इज शेरशाह। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना की है जिसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? अब यहां पर एक सवाल और बनता है कि अमुक्त माल्याद ये जो रचना है कृष्णदेव राय की, ये रचना किस भाषा की रचना है? तो ये भी आप बताइए। और फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक प्रशासन और विदेश नीति का वर्णन मिलता है अमुक्त माल्याद में, जो कि कृष्णदेव राय ने लिखी है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कृष्णदेव राय का जो शासन काल था वो था 1509 से लेकर 1529 तक। 1509 से लेकर 1529 तक, मतलब लगभग 20 साल। विजयनगर के ये सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे और स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक भी थे। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो अमुक्त माल्याद साहित्य है वो तेलुगु भाषा की रचना है, तो ये भी आप याद रखना। और इनकी भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंश चरितावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमुक्त माल्याद जो है वो तेलुगु भाषा की रचना है। कृष्णदेव राय जो थे उनका जो शासन काल था वो था 1509 से लेकर 1529 तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। क्या आप बता सकते हैं कि राय पिथौरा और सीरी के मध्य जो नगर बसाया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा, उस नगर का नाम क्या था? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, दैट इज जहांपनाह नगर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि किला राय पिथौरा, इसको लाल कोट किले के नाम से भी जानते हैं, तो लाल कोट किला या फिर किला राय पिथौरा दिल्ली के 7 प्राचीन नगरों में से एक है, और इस किले में कुल 28 बुर्ज हुआ करते थे। दिल्ली के प्राचीन शहरों में से एक जहांपनाह की एक दीवार किला राय पिथौरा से भी मिलती है और इस दीवार को संरक्षित भी किया गया है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सीरी और किला राय पिथौरा के बीच जहांपनाह नामक नगर बसाया था। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, ये तो आप जानते हैं। अब इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, ये भी आप जानते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि पानीपत का यह कौन सा युद्ध था? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सही जवाब ये ऑप्शन ए, पानीपत का ये पहला युद्ध था। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन से? देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई वो 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इसमें जो था बाबर विजयी रहा, इसे कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई 1761 में हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ था 14 जनवरी 1761 को, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाई।
मराठों का बहुत बुरी तरह से हार हुआ और लगभग लगभग पतन हो गया और इसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। यानी कि मिला जुला के कुल तीन युद्ध हैं, 1526, 1556 और 1761 में युद्ध लड़े गए थे। कम्युनल अवार्ड और पूना पैट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? कम्युनल अवार्ड और पूना पैट के अंतर्गत, तो दोस्तों याद रखना कि कम्युनल अवार्ड में कुल मिला के 42 स्थान थे जबकि पूना पैक्ट में कुल 147 स्थान दिए गए थे। देखिए पूना पैक्ट या इसको पूना समझौता भी कहते हैं, ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरदा जेल सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका की कुल सीटों का ये 18% था। तो याद रखिएगा कि कम्युनल अवार्ड में 78 था जबकि आगे चलकर जब इसमें पूना पैक्ट हुआ तो ये जो स्थान थे वो 147 कर दिए गए। बंगाल का विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था और ये इफेक्टिव हुआ था कब से? 16 अक्टूबर 1905 से। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। और ये स्टेटमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दैट इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी माउंटबेटन विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अंत तक इस विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को माना तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जबकि सरदार पटेल ने स्टेटमेंट दिया कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे अधिक जो देशी राज थे वो ब्रिटिश भारत में मिला लिए गए थे। भारत में यूपीएससी यानी कि भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की स्थापना तो हो गई थी 1926 में ही, कब? 1926 में ही, लेकिन इसे जो है अस्थायित्व मिला था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग, इसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का यह संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में एक यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आप रख लेना, यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए कई बार पूछा गया सवाल भी है इसमें कि संविधान के भाग 14 में है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में जो उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो संविधान के भाग 14 में स्थापना हुई थी यूपीएससी की 1926 1 अक्टूबर को। हालांकि लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ था और बाद में सन 1935 में भारतीय संविधान के परिच्छेद 266 में ये जो प्रस्ताव रखे गए थे उसको अस्थायी रूप दे दिया गया। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए एक परिच्छेद दिया गया है, उसको आप देखिए और बताइए कि यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ परिच्छेद है। इसने लोगों से सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से हट जाने, चुनावों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़े के प्रयोग का अभियान शुरू किया है। तो यह क्या था? स्वदेशी आंदोलन।
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और बताइए कि कौन सा सही है। सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा विकल्प होगा सही। सही जवाब है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ये 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में आपको विचार करना है। यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था। इसने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया। इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख था। सही जवाब है 1 और 2 यानी कि विकल्प डी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का निम्नलिखित में मुख्य लक्ष्य कौन सा था, इसमें से एक मुख्य लक्ष्य था वो कौन सा था। 1919 के सुधारों को लागू करने में सरकार से सहयोग करना, प्रतिनिधि सरकार के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त करना, 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस, एक समान सतत और समान रूप अवरोधन की नीति द्वारा करना। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और आपको पता होना चाहिए कि जब सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन नेताओं का विचार था कि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था क्योंकि इस आंदोलन को आश्चर्यचकित करने वाली सफलता मिल रही थी और कुछ दिनों में यह आंदोलन अंग्रेजी राज की कमर तोड़ देता। जनवरी 1923 में चितरंजन दास, सीआर दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे चितरंजन दास, सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जाएगा। और एग्जाम में देखिए इसी प्रकार की गलतियां होती हैं और फिर क्रम से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो याद रखना कि जो ये स्वराज दल था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनाए गए थे। स्थापना इसकी हुई थी कब, जनवरी 1923 में। दक्कन उपद्रव 1875 के बारे में विचार करें। यह एक किसान विद्रोह था किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। इसका नेतृत्व कृषक वर्ग के अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल वर्गों के द्वारा किया गया था जिन्हें महाराष्ट्र में कुनवी किसान कहा जाता है। तो सिर्फ दूसरा विकल्प यहां पर सही है, दैट इज ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया था। तो देखें यहां पर उपाधियों और मानद पदों का त्याग, स्थानीय निकायों को नामांकित स्थानों से इस्तीफा, सरकारी और अर्धसरकारी समारोहों का बहिष्कार, ये तो था। बच्चों को सरकारी पाठशालाओं और महाविद्यालयों से हटा लेना, ये भी था। चुनाव, विदेशी माल और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी था। सरकार को माल गुजारी देने से इनकार। देखिए यहाँ पर जो जवाब है वो डी माना जाता है लेकिन एक्चुअली में सरकार को कर देने से भी इनकार करने की बात इसमें कही गई थी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से चारों विकल्प सही है लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी विकल्प डी जो है इसका सही जवाब हो सकता है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी आप याद रखना कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था, कब, दिसंबर 1920। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय में न जाएं और कर न चुकाएं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो विकल्प डी में दिया गया है उसके अंतर्गत कर न चुकाएं यहां पर विकल्प आपको मिलता है। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के बारे में एक कथन सही नहीं है, वो आपको पहचानना है। वे भारत से संपदा के अपमान के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे, ये बिल्कुल सही है। वो विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, ये भी सही है। वे ब्रिटेन की सामाजिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे, ऐसा नहीं है, वो उसकी परवाह भी करते थे। यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो लगातार आप लोग देखते रहिए, डेफिनेटली एग्जाम में आप लोग बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका समय कम लगे, आपका इंटरेस्ट बना रहे और जो भी आप पढ़े वो आपको याद होता चले। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।